अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं, समर्स अपने रूज पे हैं और किंग ऑफ फ्रूट मैंगो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने समर्स में एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएं मैंगो को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आम पन्ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आम पन्ना बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इनमें सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एक आम, पका हुआ आम। मैंने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है, उसका पल्प ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के कच्चे आम, जिसको रॉ मैंगो बोलते हैं, वो भी हमने लिया और उनका भी मैंने पल्प ले लिया। फिर हम लोग इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम ही काला नमक, 5 ग्राम के करीब ही हम लोग सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास 5 ग्राम ही है ज़ीरा पाउडर, और फिर सबसे लास्ट पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे चंद पुदीने के पत्ते। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा रॉ मैंगो है और जो दूसरा पका हुआ आम है उसको हम लोग थोड़ा बॉईल कर लेते हैं ताकि उसका जो पल्प है वो सॉफ्ट हो जाए, बाद में हमें जब ब्लेंडिंग करें इसकी तो उसके लिए हमें वो ईजी हो जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने जो मैंगो है उनको बॉयल कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने अपने मैंगो बॉईल करने के लिए एक पैन के अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी ले लिया। अब हमें वेट करना है कि इस पर थोड़ा सा बॉईल आ जाए। सो गाइज, हमारे पानी को यहाँ पे बॉईल आ गया, इसके अंदर हम लोग जो हमारा रॉ मैंगो है वो ऐड कर देते हैं। मैंने उनके सीड भी साथ में यूज़ किए हैं ताकि उनके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको भी हमें स्क्रैच करने में ईजी हो जाएगा और हमारा पल्प वेस्ट नहीं होगा थोड़ा सा भी। तो अब हम वेट करते हैं हमारा जो ये पल्प है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। सो गाइस, हमारे जो मैंगो है रॉ मैंगो वो तो हो गए हैं रेडी, उनको हमने पका लिया है, पानी में बॉईल कर लिया है, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इन्हें हमें अच्छे से ठंडा करना है पहले। सो गाइस, यहाँ पे हमारा पल्प ठंडा हो गया है, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम लोग करते हैं ब्लेंडिंग। तो हम लोग अपनी ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो चलिए हम अपनी ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम अपने ब्लेंडर में अपनी बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो पका हुआ आम है वो ऐड कर देते हैं, उसके स्लाइसेस जो हमने उसका पल्प निकाला था वो ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो कच्चे आम का हमने पल्प लिया है उसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के बाद हम लोग हमारी जो काली मिर्ची पाउडर है वो ऐड कर देते हैं। फिर हम लोग इसमें सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे और सफ़ेद नमक के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अपना काला नमक, और फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें चंद पत्ते पुदीने के। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे लास्ट पे ऐड कर रहे हैं हमारे 4 से 5 चम्मच चीनी के। तो ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आम पन्ना के लिए, तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब हम लोग अपना जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, इनको हम सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और हमारा ये कंसंट्रेट आम पन्ना रेडी हो गया, अब हम इसको अपने पीने के लिए रेडी करते हैं। तो गाइस, अब हम अपने आम पन्ना को पीने के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कंसंट्रेट रेडी हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले 2-2 चम्मच या अपने जो ग्लास के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर अपना जो कंसंट्रेट पन्ना है वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच हर ग्लास में डालूँगी। इसके बाद हम लोग पानी ऐड कर देंगे। और पानी के बाद हम लोग इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और हमारा आम पन्ना पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अब बारी है आइस क्यूब्स की। तो हमारा आम पन्ना हो गया है रेडी, अब हम एक दफ़ा इसकी फाइनल लुक देख लेते हैं।
सो गाइज, ये है फाइनल लुक हमारे आम पन्ना की। बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार समर ड्रिंक है। और हमारा ये जो कंसनट्रेट है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, प्लीज़ उसको हिट कर दें, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।